वेलकम टू माय YouTube चैनल रजा काजमी ब्लॉग्स। और अभी का सीन कुछ यूं है कि मेरी बाइक को आज हो गए हैं 20,000 किलोमीटर की सर्विसिंग पेंडिंग थी, जिसको आज हम फाइनली करवा देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने सर्विसिंग नहीं करवाई है। क्योंकि जब तुम इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो और इतनी ज्यादा उसको रगड़ते हो, तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी प्रॉपर केयर भी करो। आज हम उसको लेके जाएंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उसकी सर्विसिंग कॉस्ट क्या पड़ती है। ट्रिप से आने के बाद ये वाला कैजुअल टूट चुका है, ये इंडिकेटर टूट गया था, इसको वापस एलसी से लगाया गया। बस इसके अलावा कुछ इतना खास मसला नहीं है। ऑल राइट जी, अब हो गया बाइक की सर्विसिंग का टाइम। सबसे पहले सर्विसिंग में मुझे कराना है बाइक वॉश। जैसे कटिंग कराने के लिए शैम्पू करके जाना जरूरी है ना, वैसे ही सर्विसिंग में बाइक वॉश होना जरूरी है। अगर बाइक साफ सुथरी होगी तो काम करने वाले को भी मजा आएगा। दीज आर माई हीटेड ग्रिप्स, जो मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखा रहा था, बताया था। ये उसका एक हैंडल बार ही है, एक हैंडल बार ही है। मिरर्स मेरे दोनों ही बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं। एक वायर जो आपको दिख रही है एक्सेलरेशन की, और ये जो लटक रही है ये है हीट की, जो कि जाके बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, अगर किसी ने वो पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक है आई बटन पे, वो जाके देख सकते। तब तक हम जाते हैं बाइक वॉश वाले के पास और आज जाके बाइक वॉश करवाते हैं। ऑल राइट जी, बाइक वॉश वाले के पास पहुंच गई। जी बाइक वॉश हो चुकी है। अच्छा यार, यहाँ पे ब्लैक पेंट होने की जरूरत है। अभी किसी दिन असद आता है तो उसके साथ प्लान करते हैं, कुछ जगहों पे जंग लग गया इसको। और ये मैं आपको जो कट के मैं बता रहा था, ऊपर भी कुछ वर्किंग करते हैं। शुक्र है मीटर साफ सुथरा नजर आना शुरू हुआ। बाइक वॉश की कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज यार। यूट्यूब पे वीडियो, मैं आप टूर शूर पे जाता हूँ ना बाइकें लेके, तो वो पूरे रास्ते की टूर की वीडियो बनती रहती है। ओके सर, लाफिस। अब थोड़ा सा इसका हो गया है पेट खाली, नहाने के बाद जैसे हर बंदे को भूख लगती है तो बाइक भी ना चुकी है। खिलाते हैं अब इसको, क्योंकि बाइक खाना मांग रही है भाई, तो इसको खाना खिलाते हैं और वाइजर बंद कर लेते हैं। ऑलराइट जी, वी रीच दैट पंप से पेट्रोल डलवाएंगे भाई, PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसके अलावा मेरा बाइक आउट चल रहा है 200 का। ऑलराइट जी, फ्यूलिंग इज डन, इसका इंजन ऑयल चेंज करवाना है। 100 रुपीज आपके बाइक वॉश के, 200 रुपीज आपकी फ्यूलिंग के। यार ऑयल तो देना है, लेकिन मतलब ये 1450 रुपए का डब्बा है, जो इससे पहले मैं डलवा रहा था वो 800 रुपए का डब्बा था। All right, is done. Guys, एक पते की बात बताऊं, ये मैं अब चेंज करवा रहा हूं ना इंजन ऑयल, और ये मैंने इससे पहले पता है कब चेंज करवाया था? मैंने इससे पहले चेंज कराया कोई ट्रिप पे जो सवाद में आपने देखा था, और इंजन ऑयल की कॉस्ट पड़ी है 1450। अब मुझे जाना है इसकी सर्विसिंग कराने, तो अब तक हम जो खर्चा कर चुके हैं वो है 1750, जिसमें अभी सर्विसिंग बाकी है। यार शहरी भाई, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं वहाँ खालिद कहीं जा रहा हूँ। है मूड आज के नहीं सर, ट्यूनिंग ही करानी है इसके बाद ना सर, टाइम का मसला नहीं है, बंदा एक ही चाहिए। चले मैं फिर अंदर ही बैठा, जब हो तो बता दीजिए। ऑल राइट जी, अभी उनको टाइम लगना है तो उनसे टाइम ले लिया, सो गुड सो फार। ऑल राइट जी, बाइक की ट्यूनिंग का काम शुरू हो चुका है, शहरी भाई लग चुके हैं। यहाँ पे आने का तो सबसे ज्यादा मुझे फायदा होता है, क्योंकि शुरू से मेरी बाइक यहाँ पे आके काम करवा रही है, तो शहरी को सब पता है। जी ट्यूनिंग इज डन, और अब यहाँ से जा रहे हैं। ट्यूनिंग कॉस्ट पड़ी है मुझे 400, और शहरी भाई गए हैं टेस्ट राइड लेने। जी शहरी भाई, ओके है? ओके सर, लाफिस। ओके दादा, लाफिस। अभी कुछ, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है एक ट्रिप पे जाने का, और उसमें मेरे साथ पिलियन राइडर होंगे। पिलियन राइडर कौन है वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, कुछ अरसे में कर दूंगा। तो 20,000 किलोमीटर में जो हमें सर्विस कॉस्ट आती है वो रुक के बताता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ आती भाई के।
तो आते भाई बैठे हैं भाई शॉप पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? रियली नाइस टू मीट यू। ऑलराइट जी, हम आते भाई की शॉप पर आ चुके हैं। हमें सर्विसिंग कॉस्ट पड़ी है 2200, जिसमें ऑयल चेंज, फ्यूलिंग, बाइक वॉश और सर्विस। आज के ब्लॉग को बस यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप वॉचिंग, स्टार्ट डूइंग। बूम। इसकी लता खुल जानी है फिर।